बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ निया उमर फ्रॉम कार मास्टर। जी हाँ, फाइनली प्रोटोन X70 को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और इस गाड़ी की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई हैं। पाकिस्तान में यह गाड़ी बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ आई है। इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इस गाड़ी की प्राइस पाकिस्तानी मार्केट में क्या रखी गई है, कौन सा इंजन इसके अंदर हमें दिया जा रहा है। तमाम डिटेल्स आपको इसी वीडियो के अंदर दी जाएंगी इसके फीचर्स की। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो किया स्पोर्टेज, हुंडई टुक्सन या MGHS लेने वाले हैं। उन्हें पता चले कि एक बहुत ही अच्छी गाड़ी उन गाड़ियों से सस्ती और अच्छे फीचर्स के साथ पाकिस्तानी मार्केट में आ चुकी है। तो इसकी प्राइसेस को अभी मैं आपको बताता हूं जो कि रिवील कर दी गई हैं प्रोटोन पाकिस्तान की तरफ से। इंपोर्टेड यूनिट CBUs जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होके आएंगे, जो कि कुछ ही यूनिट है, आप इनकी अभी जाके बुकिंग भी करवा सकते हैं, सुबह से इसकी बुकिंग ऑन है। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के अंदर इनके शोरूम्स अवेलेबल हैं। इम्पोर्टेड CBU एग्जेक्टिव AWD की प्राइस 48,90,000 रखी गई है, 48,90,000। प्रीमियम FWD की 53,90,000, 63,90,000 रुपया इस गाड़ी की प्राइस रखी गई है, जो कि काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आ रही है। अगर आप लोकली असेंबल्ड इसी गाड़ी को लेंगे, जो कि अप्रैल 2021 से लोकली असेंबल्ड होना शुरू होगी, पाकिस्तान में बनना शुरू होगी, तो उसकी एग्जेक्टिव ऑल व्हील ड्राइव की प्राइस जो है होगी वो है 46,90,000 रुपये, यानी कि 46,90,000 प्रीमियम FWD कि जो प्राइस रखी जाएगी जो लोकली असेंबल होगी वो है 49,90,000 रुपीज़, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस है लोकली असेंबल में। इस गाड़ी के अंदर हमें 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। इस गाड़ी के अंदर हमें 1500cc का टर्बो चार्ज इंजन मिलेगा, जो कि 177 हॉर्स पावर और 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करेगा। 19 इंच के अलॉय व्हील्स इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। पार्किंग एंड डोर सेंसर वगैरह इस गाड़ी के अंदर हमें दिए गए हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ब्रेक असिस्ट, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह हमें इस गाड़ी में दिया गया है। इस गाड़ी के अंदर हमें एक वॉइस कंट्रोल भी दिया गया है, जिसके अंदर हम गाड़ी के कुछ मल्टीमीडिया के जो फीचर हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और मे बी AC वगैरह के फीचर्स भी। हीटेड सीट्स हमें मिलती हैं फ्रंट साइड पे। सनरूफ, पैनोरामिक सनरूफ इस गाड़ी के अंदर हमें दिया गया है, और 360 व्यू कैमरा हमें इस गाड़ी के अंदर मिलता है। यानी काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ ये गाड़ी पाकिस्तानी मार्केट में आई है, और प्राइस भी लोकली असेंबल अगर हम लें तो उसकी काफ़ी अच्छी प्राइस है। इंपोर्टेड यूनिट भी जो कुछ यूनिट्स हैं वो आप जाके अभी बुकिंग करवा सकते हैं इनकी फ्रेंचाइज के ऊपर। डिटेल्स मैं अपने चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा कि इनके शोरूम पाकिस्तान में किस किस जगह पे हैं। 3 सिटीज़ में अभी बने हैं, 4 शोरूम्स इनके अवेलेबल हैं, तो काफ़ी अच्छी प्राइस के साथ आई है। क्या आपके मुताबिक ये प्राइस सही रखी गई है इन गाड़ियों की या नहीं, और क्या आप इस प्राइस टैग में इस गाड़ी को खरीदेंगे? स्पोर्टेज, HS और टक्सन की हम प्राइस देखें तो 55,00,000 रुपए पे है उनकी प्राइस लोकली असेंबल की ही, और इंपोर्टेड यूनिट आपको मिल रहा है यहाँ पे 53,90,000 रुपीज़ में। तो क्या आप इस गाड़ी को खरीदेंगे या नहीं, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हाजिर हूँगा एक बेहतर अच्छी वीडियो के साथ। दिस इज़ मी उमर साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।